भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर को कहा जाता है, जिसे एक खास वजह से नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने हमारे देश के राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया था। टाइगर चाहे जैसा भी हो, वो अपने फुर्तीले स्वभाव और जोशीले दहाड़ की वजह से जाना जाता है, साहस और स्वतंत्र रूप से रहने वाला एक पशु। लेकिन इस रॉयल बंगाल टाइगर से भी पहले भारत का कोई और ही राष्ट्रीय पशु के रूप में हुआ करता था, वो थे शेर, जिसे जंगल का सरदार माना जाता है। इसे 1969 में ही नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। वैसे शेर प्राचीन काल से ही भारत की खास पहचान बनकर रहा है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। वही महान सम्राट भारत को हमेशा शेर के साथ दिखाया जाता है। सम्राट अशोक के समय में भी ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में शेर की सभी ही नजर आती है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से 60 साल के अंदर ही भारत के राष्ट्रीय पशु को शेर से बाघ में बदल दिया गया? एक दौर था जब भारत में ज्यादातर राजाओं का ही शिकार करने का शौक था, वो भी बाघ जैसे खूंखार शिकारी जीव का। इनका ये आदत इतना बढ़ गया था कि आखिर में बाघों को बचाने और इनके संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। भारत से बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए ही इन्हें देश के राष्ट्रीय पशु के तौर पर अपनाया गया। साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। दरअसल ये परियोजना शुरू होने से ही भारत में बाघों की तादाद बढ़ने लगे। फिर अप्रैल 1973 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रॉयल बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया। 26 जनवरी 2016 दिल्ली के राजपथ पर मध्य प्रदेश की तरफ से सफ़ेद बाघ की झांकी पेश की गई थी। दरअसल सफ़ेद बाघों का मध्य प्रदेश के रीवा जिले से गहरा नाता है, क्योंकि सफ़ेद बाघों की पहचान सबसे पहले रीवा में ही हुई थी, और ये पहचान रीवा के महाराज मार्तंड सिंह ने करवाई थी। राजा मार्तंड सिंह को शिकार का बहुत शौक था। 27 मई 1951 की बात है, सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र के पनखोरा गांव के नज़दीकी जंगल में बाघ का शिकार करने महाराज मार्तंड सिंह उनके शाही मेहमान जोधपुर के महाराज अजीत सिंह के साथ पहुंचे। शिकार के दौरान तीन शावक तो भाग गए, लेकिन सफ़ेद रंग वाला वहीं पर छिप गया। राजा ने इसे मारने के बजाय पकड़ना चाहा, फिर पिंजरा लगाकर उसे पकड़ा गया और अपने साथ गोविंदगढ़ किले में ले गया। पूरा इलाका इस बाघ को देखने के लिए बेताब थे। वैसे बाघ का नाम मोहन रखा गया। एक बाघ जंगल के राजा की तरह होता है, इसलिए सभी उसे एक राजा की तरह ही पेशाते थे। सुबह 9 बजे मांस देने का वक्त होता था। इसमें अगर थोड़ा सा भी देर हुआ तो मोहन दहाड़ लगा देता, पूरा किला सौंक जाता था। एक बार तो एक केयरटेकर ने बाड़े के अंदर जाने वाले दरवाजे को ही बंद करना भूल गया था। खाना देने की तैयारी ही चल रही थी कि मोहन बारी से निकलकर उसी जगह पर जाकर पहुंचे जहां उसके लिए खाने की तैयारी किया जा रहा था। किसी को लगा कि कोई पीछे से उन सबको घूर रहा है। फिर सभी मोहन को वहां पर देख कर सौंक गए, लेकिन कोई हरकत किए बिना ही मोहन अपने जगह पर चले जाते हैं। वैसे उस दिन मोहन के लिए बाहर भागने का रास्ता भी खुला था, कोई हादसा भी हो सकता था, क्योंकि मोहन को जब पहली बार लाया गया था तो 2 दिन का ही वक्त हुआ था कि रात में दीवाल फाड़ कर वो भाग निकला। राजा ने चारों तरफ तलाश करवाया तो मोहन जंगल में जाकर मिला। वैसे मोहन को राधा नाम की एक सामान्य बाघिन के साथ रखा गया था। इनकी जब ब्रीडिंग करवाई गई तो 60 शावक जन्मे, जिनमें से एक भी सफेद शावक नहीं थे। फिर 3 मादाओं के साथ मोहन के लगातार सफेद शावक पैदा होते गए। इनमें से कुछ को चिड़ियाघरों में भेजा गया, कुछ को विदेशों में भी भेजा गया, तो कुछ की मौत हो गई। मोहिनी नाम की एक सफेद बाघिन को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति की इच्छा पर व्हाइट हाउस ले जाया गया। इसी तरह सफेद बाघों की खरीदी बिक्री करते करते रीवा इस कगार पर पहुंच गया था कि 40 सालों तक रीवा सफेद बाघों के वीरान रहा। आज अमेरिका, ब्रिटेन के साथ देश प्रदेशों में जितने भी सफेद बाघ पाए जाते हैं, इनका नाता किसी न किसी तरह से रीवा से जरूर होता है। देश भर में सुर्खियां बनने लगी थी। इन सफेद बाघों को देखने के लिए देश की तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रीवा पहुंचे थे। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित करके इनकी खरीदी बिक्री पर रोक लगा दिया। फिलहाल दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर की सफारी मुकुंदपुर में है। आज ग्लोबली कुल 6000 बाघों की आबादी है और इन आंकड़ों में भारत से लगभग 3000 बाघों की तादाद जुड़े हैं। वैसे बाघों का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, जिसे भारत में साधारण भाषा में रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है।
वैसे जंगल की अंधाधुंध कटाई और लगातार शिकारियों द्वारा पशुओं के शिकार के कारण राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या कम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि जहां पहले बाघों की 8 प्रजातियां पाई जाती थी, वो सीमित कर आज 5 प्रजातियां ही बसे हैं। सर्वोच्च परभक्षी होने के कारण बाघ प्रकृति के नियंत्रण और संतुलन योजना में प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन इनकी लगातार घटती हुई संख्या प्रकृति के लिए चुनौती बनती जा रही है, जिसका अंजाम मानव जाति के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बाघों की तस्करी होने वाले देशों में भी वहां की सरकारों पर दबाव डाला गया। ताइवान से लगभग 2,50,00,000 वार्षिक मूल्य के वन्यजीव उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मार्च 1994 में भारत ने बाघों को बसाने के लिए एक संगठित प्रयास के तहत 10 राष्ट्रों के साथ विश्व बाघ मंच की पहली बैठक बुलाई, जिसमें शिकार को अवैध घोषित किया गया था, लेकिन अभी भी शिकार पर लगाम नहीं लग पाया है।